सारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब का स्वागत करता हाँ अज की वीडियो में। अज मैं सबनों करवा रहा हाँ ग्लोबल वार्मिंग के उत्ते यह 100 शब्दों का यह पूरा ऐसे ही है जिसनों आप स्पीच भी कह सकते हाँ। तो जे तो आज तक मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह कर दो, नाल कर दो इस वीडियो में लाइक, उस बैल आइकन भी दबा दौ ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सब तो पहला। ग्लोबल वार्मिंग वातावरण का अर्थ है साडा आला दुआला। वातावरण के दूसरे अंग जीव और बनस्पति मनुख को प्रभावित करते हैं तो इस तो प्रभावित भी होंगे। जदों मनुख ने अपनियां लोड़ां अपने चौगिरदे तो पूरियां करनियां शुरू कीतियां उदों तो ही कुदरती वातावरण नाल छेड़छाड़ शुरू हो गई। अपनियां लोड़ां पूरियां करन लई मनुख उस जंगलों का विनाश कर रहा है। धरती का वायुमंडल वख-वख गैसों का मिश्रण है जिस विच हर एक गैस निश्चित मात्रा विच है जो धरती उपर मौजूद जीवन की वख-वख तरीकों नाल मदद करती है। वातावरण दे प्रदूषित होने नाल सूरज दिया परबैंगनी किरणा धरती उत्ते वधेरे मात्रा विच पहुँचणगियां जिस नाल धरती का वायुमंडल गर्म हो जाएगा। धरती सूरज दिया किरणा तो गर्मी प्राप्त करती है। गर्म होने तो बाद यह सारी गर्मी वापस छड़ दिंदी है। कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन ओजोन CFC आदि गैसा इस वापस जा रही गर्मी नू अपने विच समा लेंदिया हन। इसे लई इन्हां नू ग्रीन गैसा भी कहा जाता है। तापमान वपन नू विश्व तापीकरण जां ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इस लई जंगलों की कटाई प्रदूषण कारखानियां ते वाहनां द्वारा छड़िया जाने वाली हानिकारक गैसा सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। इस दे बहुत माड़े प्रभाव हैं। इस दे वधन नाल मारुथल गर्मी का मौसम ते खुश्क खेतरां विच वाधा होगा। इसका प्रभाव जल चक्कर ते भी पैंदा है। इसनों कंट्रोल करन लई वड्डे पद्धर ते इसका हल करना पवेगा। इसलिए वध तो वध दरख्त लगा के वाहनों की वरतों बिजली उपकरणों की घट तो घट वरतों करके की जा सकती है। याद रखो कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है तो इसको गंभीरता नाल ही हल किया जाना चाहिए है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो ने धन्यवाद कि तुमने यह वीडियो पूरी देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।